हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और मिनिमम बैक्टेरिसाइडल कंसंट्रेशन. इन शॉर्ट वी कैन से MIC एंड MBC. ओके, सो दोनों ही चीजें MIC और MBC जो है वो किसके रिलेशन में बात की गई है? इन दोनों का रिलेशन किससे है? एंटीबायोटिक से. एंटीबायोटिक से है इसका रिलेशन. ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मिनिमम MIC क्या है और MBC क्या है. सो देखिए, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि MIC क्या है. MIC क्या है? इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक at which the visible growth of microbe is inhibited in 24 आवर्स कल्चर मीडियम. अब देखिए, इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए, जैसे कहीं भी हमने माइक्रोब्स लिया और माइक्रोब एक पेट्री डिश ली हमने. ओके, पेट्री डिश में हमारे पास में जो है माइक्रोब का कल्चर हो रखा है. दिस इज अवर व्हाट अ पेट्री. ओके, दिस इज अ पेट्री डिश एंड इन दिस पेट्री डिश वी हैव अ ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. ओके, नाउ वी आर पुटिंग व्हाट अ एंटीबायोटिक. क्लियर? सो यहां पर क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक जो है, हम एंटीबायोटिक हम किस में डाल रहे हैं? पेट्री डिश में डाल रहे हैं. पेट्री डिश में कल्चर जो है 24 आवर्स ओल्ड कल्चर है. कल्चर से मतलब है कि माइक्रोब को हमने कल्चर कराया है. ओके, सो यहां पर जब हम एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो एंटीबायोटिक को पोर करने के बाद में किस कंसंट्रेशन पे, किस लोएस्ट टू लोएस्ट और मिनिमम टू मिनिमम कंसंट्रेशन पे माइक्रोब की जो विजिबल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक. ओके, तो अब देखिए इसको मेजर कैसे कर सकते हैं. देखिए, यहां पर दो तरह के माइक्रोबियल कल्चर के दो तरह के मेथड होते हैं, डिस्क डिफ्यूजन मेथड और डिस्क अगार मेथड. डिस्क अगार मेथड डिस्क डिफ्यूजन मेथड. ओके, तो ये तो माइक्रोब को कल्चर करने के तरीके हैं कि किस तरह से माइक्रोब को कल्चर किया जाता है. तो फर्स्ट वी हैव टू कल्चर द माइक्रोब. ओके, तो यहां पर हम एक टेस्ट यूज करते हैं, एब्जाइलोमीटर टेस्ट. एब्जाइलोमीटर टेस्ट में क्या होता है कि जनरली हम ये देखिए, ये हमारे पास में क्या है, जार दैट हैज अ माइक्रोबियल कल्चर और वी कैन से अ पैट्री, जहां पर कि क्या है, माइक्रोबियल कल्चर है. ओके, यहां हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप पेपर जो है जिसमें कि एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज्ड हो रही है. सो दिस इज अ पेपर इंप्रेग्नेटेड विद एंटीबायोटिक, पेपर जो कि एंटीबायोटिक की असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इसको हम क्या करेंगे यहां ले जाएंगे। ओके तो नाउ अब क्या होगा, क्लियर? अब क्या होगा कि इसको इसके अंदर डालने के बाद में क्या होगा, इस तरह से आपने पुट कर दिया। देखिए अब पेपर के अंदर क्या है, देखिए ये तो माइक्रोब, यहां माइक्रोब्स हैं काफी सारे, ओके, और पेपर पर अलग अलग कंसंट्रेशन है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सो दीज आर कंसंट्रेशन इन द इंक्रीजिंग ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। ओके क्लियर। सो अब यहां पर देखिए, सपोज करिए कि माइक्रोब की ग्रोथ अगर इस कंसंट्रेशन पर क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, इस कंसंट्रेशन के बाद इस कंसंट्रेशन पर माइक्रोब अपनी विजिबल ग्रोथ नहीं दिखाएगा। सो सपोज करिए ये 1 माइक्रोग्राम हो गया, ये 2 माइक्रोग्राम हो गया, और ये कंसंट्रेशन आपकी 5 माइक्रोग्राम है सपोज, ओके आगे 10 माइक्रोग्राम है, सो 5 माइक्रोग्राम इज द एमआईसी ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक। ओके तो यहां पर 5 माइक्रोग्राम क्या हो जाएगी, उसकी एमआईसी होगी। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इस जोन से नीचे नीचे तक माइक्रोब की ग्रोथ होगी, ओके बट इसके ऊपर जो है ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इस 5 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन में माइक्रोब की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो हमारे पास में एक जोन ऐसा होगा जो क्लियर जोन होगा, और एक जोन ऐसा होगा जहां पर कि माइक्रोब होंगे, तो जो उन दोनों की डिवाइडिंग लाइन होगी वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन हो जाएगी। ओके सो हियर एग्जामिनर आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, व्हाट इज एमआईसी। दूसरा क्वेश्चन आज पूछता है एग्जामिनर कि एब्साइलोमीटर टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो नीट पीजी के स्टूडेंट, जीपेट के स्टूडेंट, नाइपर के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट, ध्यान दें इस चीज पर, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एब्साइलोमीटर टेस्ट जो है वो किसके लिए, किसको मेजर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर किस शेप का पेपर लिया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लिया जाता है, कैसा पेपर लिया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लिया जाता है, और यहां कंसंट्रेशन किस ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके कंसंट्रेशन किस ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां पर बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके यहां पर बन रहे हैं। पहला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमआईसी, कि यहां पर मिनिमम, यहां यहां आपको ये बात याद रखनी है कि कंसंट्रेशन जो है वो लोएस्ट है या मिनिमम कंसंट्रेशन है, कौन सी कंसंट्रेशन है, मिनिमम। आपको डेफिनेशन में एग्जामिनर ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है कि केवल वो लिखे इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, अगर उसने मिनिमम वर्ड इंक्लूड नहीं किया और लोएस्ट वर्ड इंक्लूड नहीं किया तो वो एमआईसी की डेफिनेशन नहीं होगी। ओके तो आपको डेफिनेशन में, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको 4 स्टेटमेंट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ एमआईसी, तो आपको वहां मिनिमम वर्ड को ध्यान में रखना है, विजिबल ग्रोथ को ध्यान में रखना है, माइक्रोब की ग्रोथ का इनहिबिशन आपको ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एब्साइलोमीटर टेस्ट इसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें पेपर किस शेप का ले रहे हैं और कंसंट्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये चीजें आपको एमआईसी को लेकर ध्यान में रखनी। अब देखिए एमबीसी को हम देखते हैं कि एमबीसी जो है वो क्या चीज है, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। ओके सो मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन क्या है, देखिए यहां पर एक वर्ड यूज आ रहा है, दो वर्ड, तीनों वर्ड अपने आप में जो है कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या डिफाइन कर रही है, देखिए ये समझते हैं अभी कि क्या वो डिफाइन कर रहे हैं, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। सो इनको 3 पार्ट में हम तोड़ते हैं, फर्स्ट वन दिस इज फर्स्ट, दिस इज, दिस वर्ड इज सेकंड एंड दिस वर्ड इज थर्ड वर्ड। मिनिमम से आप क्या समझ रहे हो, बहुत इजी है कि मिनिमम होना चाहिए। ओके सो फर्स्ट हम क्या, किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर एमबीसी को डिफाइन कर रहे हैं, सो मिनिमम कंसंट्रेशन
मिनिमम कंसंट्रेशन वो किसकी होनी चाहिए, थर्ड वर्ड को हमने लिख दिया कि मिनिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए, ऑफ एंटीबायोटिक। अब वो क्या करनी चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एट विच नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बैक्टीरिया किल हो जाए। यहां पर क्या हो जाए, 99% बैक्टीरिया किल हो जाए। यहां पर देखिए वर्ड क्या आ रहा है, किल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 99.9% जो बैक्टीरिया किल हो जाए उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। देखिए वर्ड लास्ट में क्या रहा है, साइडल, साइडल वर्ड का मतलब ही यही होता है कि जहां पर बैक्टीरिया किल हो जाए। ओके, सो दिस इज नोन एज अ बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। क्लियर एवरीवन? तो अब देखिए यहां पर दो चीजें हमने पढ़ी, एमआईसी और एमबीसी। सपोज करिए कि दो ड्रग्स हैं, ओके, देयर इज ड्रग वन एंड देयर इज ड्रग टू। ओके, ड्रग वन की एमआईसी वैल्यू है 50 माइक्रोग्राम और ड्रग टू की एमबीसी वैल्यू है 53 माइक्रोग्राम। इसका मतलब दोनों ड्रग की एमआईसी और एमबीसी वैल्यू बहुत नियर बाय है। तो वो ड्रग, द ड्रग्स, तो यहां पर ड्रग वन और ड्रग टू, सॉरी यहां पर अगर सेम ड्रग की, ड्रग टू नहीं, सेम ड्रग लीजिए आप, ड्रग वन की एमआईसी वैल्यू क्या है 50 माइक्रोग्राम और ड्रग वन की ही एमबीसी वैल्यू क्या है 53 माइक्रोग्राम। तो दो सेम ड्रग की एमआईसी वैल्यू और एमबीसी वैल्यू बहुत नियर बाय है, इसका मतलब ड्रग क्या होगी, इन द नेचर इट इज अ साइडल इन नेचर। अगर ये माइक्रोबियल साइडल है तो माइक्रोबियल साइडल हो जाएगी, फंगस फंगस को इनहिबिट कर रही है तो फंगी साइडल हो जाएगी, बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रही है तो बैक्टीरिया साइडल हो जाएगी। यहां पर कहने का मतलब ये है कि अ सिंगल ड्रग विच हैव अ नियर बाय वैल्यू इन एमआईसी एंड एमबीसी, ड्रग रिमेन साइडल। ओके, और अगर सपोज करिए यहां पर मैं दूसरी ड्रग लेता हूं, ड्रग टू एंड ड्रग टू, ड्रग टू हैज अ 50 माइक्रोग्राम ऑफ एमआईसी एंड ड्रग टू हैज अ एमआईसी एमबीसी इज 73 माइक्रोग्राम सपोज। तो इसका मतलब इन दो सेम ड्रग की, ड्रग टू जो है वो क्या, इसकी एमआईसी और एमबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जो बिफोर अभी हमने एग्जांपल दिया उसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, द ड्रग, ड्रग टू बिकम, ड्रग टू बिकम व्हाट, स्टैटिक। ओके, क्लियर एवरीवन? सो यहां पर भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, वो क्या क्वेश्चन होता है उस पर देखिए, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो दे कैन गिव द ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन इज टू ड्रग्स हैविंग टू मच डिफरेंस in the MIC and MBC value, then the drug is bactericidal, एक option में आ जाएगा, एक में same statement होगा और लिखा होगा कि drug is bacteriostatic, इसी तरह से फिर दो अलग option और बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, इसी concept पर चार option आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि drug bactericidal होगी या bacteriostatic होगी। okay, तो इस point पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर examiner क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर एवरीवन? अब देखिए हम पढ़ते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या है। ओके, नाउ
at this post antibiotic effect. Post antibiotic effect. So post antibiotic effect क्या है? देखिए वर्ड से पता चल रहा है क्या, अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें या तीन पार्ट में तोड़ दें, पहला तो पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, एंटीबायोटिक का मतलब आप समझते हैं कि जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं टू किल द माइक्रोब, और इफेक्ट का मतलब कि उस ड्रग का क्या इफेक्ट है, ओके क्या चेंजेस लेके आती है वो. तो जनरली क्या होता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या है, सपोज वी यूज एंटीबायोटिक, यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन अ कल्चर मीडियम, एक कल्चर मीडियम के अंदर हमने क्या किया, एंटीबायोटिक को यूज किया. अब वो एंटीबायोटिक को यूज करने के बाद में अगर बाद उसके बाद में क्या हो रहा है कि आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर फूड कितने टाइम बाद दोबारा से ग्रोथ होने में कितना टाइम लगाएगी, मतलब कि सपोज करिए इस जार के अंदर आपने जहां पर कि माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स और ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट पुट किया, सो आफ्टर पुटिंग द एंटीबायोटिक इट इनहिबिटेड द माइक्रोब्स, सो आफ्टर सम टाइम इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, लेग फेज, व्हाट इट कॉल, लेग फेज, कितना टाइम वो दोबारा से ये माइक्रोब दोबारा से माइक्रोबियल ग्रोथ को होने में लगाते हैं, मतलब कितने टाइम बाद माइक्रोब की ग्रोथ दोबारा से होने लगेगी, क्लियर. तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. तो यहां पर क्या हो रहा है कि लेग फेज क्या है कि कितना टाइम ले रहा है, जैसे इस एंटीबायोटिक ने जो है काफी सारे माइक्रोब को किल कर दिया यहां पर, तो अब कुछ टाइम ड्यूरेशन तक वहां पर क्या होगा, माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होगी, ओके. और कुछ टाइम बाद सपोज करिए 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद वहां पर ग्रोथ स्टार्ट होना होगी, तो जो 48 आवर्स हैं वो क्या कहलाएगा, लेग फेज. तो यहां पर दे आर सम एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोनोल्स, एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड. इन सब का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट हाई होता है, दे हैव अ हाई पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. कहने का मतलब है कि जब हम जितनी भी साइडल ड्रग्स जो होती हैं, जो साइडल ड्रग्स मतलब बैक्टेरियोसाइडल या माइक्रोबियोसाइडल, वो ड्रग क्या करती है, माइक्रोब को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देती है, वहां से माइक्रोब को पूरी तरह से खत्म कर देती. अब जब दोबारा उस जगह पर माइक्रोब को दोबारा ग्रोथ करनी होगी तो उसका टाइम बहुत लग जाएगा, तो वो जो टाइम बीच का जो टाइम है दोबारा से रिकल्चर करने का टाइम है, लेग फेज है, अगर वो ज्यादा है तो उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, क्लियर. तो जैसे ये जो एग्जांपल मैंने दिए टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोनोल्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड, ओके, दीज ड्रग्स हैविंग हाई पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, क्लियर. सो इट इज वेरी यूजफुल एज फार एज कंसर्न ऑफ द सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन. यहाँ पर हमें पोस्ट एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंगली भी कभी कभी हमें ड्रग चूज करनी होती है कि किस तरह से हम जो ड्रग को चूज किया जाए किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन में. और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट पे जीपैट जो फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर जीपैट 12 जो था वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, दे आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, द
That's why it is very important as far as concern. So they are asking question on the basis of which drug has a high post antibiotic effect, which drug has a low post antibiotic effect. Clear? So aapko example yaad rakhna hai aur iski definition yaad rakhni. Okay everyone? Okay.